स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर और हमारा कोर्स है एडवांस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग। अभी हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं ये हमने पिछले लेक्चर्स में देखा। हमने इंट्रोडक्शन देखा और फंक्शन की डेफिनेशन देखी। हमारे पास इंस्ट्रक्शन का एक सेट होता है जिसको हम एक नाम दे देते हैं, या हमारे पास एक ब्लॉक होता है जिसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शंस पड़ी होती हैं, हम उनको कोई नेम असाइन करते हैं, जब हम उसको कॉल करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। उसके अलावा हमने देखा कि फंक्शंस की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारे प्रोग्राम में, एडवांटेज देखे उसके, किस तरीके से ये हमारा टाइम सेव करते हैं। फिर हमने इसकी टाइप्स देखी। फंक्शन दो तरह के होते हैं। एक फंक्शंस वो होते हैं जो कि हम खुद से डिफाइन करते हैं, और एक वो फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी पाइथन में डिफाइंड हैं, इनको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। आज हम देखेंगे कि स्कोप क्या होता है और जो एक वेरिएबल होता है उसकी लाइफ टाइम क्या होता है और स्कोप क्या होता है। उसके अलावा रिकर्जन को देखेंगे। फ्रेंड्स, रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू क्या होती है इसको हम स्टडी करते हैं और एग्जांपल से देखते हैं। टू लेट अ फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू यूज द रिटर्न स्टेटमेंट। जब हम फंक्शन में कोई वैल्यूज देते हैं या कोई वैल्यूज पास करवाते हैं, अगर हमने रिटर्न में कोई रिजल्ट लेना हो तो हम क्या करते हैं, रिटर्न का कीवर्ड यूज करते हैं। जैसे हमारे पास ये एक फंक्शन है माई फंक्शन के नेम से, इसके अंदर हमने एक पैरामीटर बनाया एक्स के नेम से, उसके बाद हमने रिटर्न का कीवर्ड लिखा और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया एक्स के साथ। अब हम फंक्शन कॉल करते हैं और एक वैल्यू यहाँ से पास करवाते हैं एक्स में। अब एक्स में क्या वैल्यू पास होगी जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, जो ये वाली लाइन है इसमें एक्स की वैल्यू 3 होगी। अब 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ और वैल्यू क्या रिटर्न होगी, 15। अब इसको हम अपने एडिटर के अंदर रन करके देखते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं और इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरीके से जो वैल्यूज हैं हमारे पास वो रिटर्न होती हैं। स्टूडेंट्स, हमने ये फंक्शन रन करके देखा। अब इसमें क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमने वैल्यू जो थी वो 3 पास करवाई, 3 मल्टीप्लाई हुआ 5 के साथ और वैल्यू क्या रिटर्न हुई, 15। और यहाँ पे रिटर्न होने के बाद यहाँ पे 15 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट टाइम जब हमने वैल्यू पास करवाई तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हो गया और वैल्यू रिटर्न हुई हमारे पास 25। थर्ड टाइम हमने 9 पास करवाया, 5 से मल्टीप्लाई हुआ 45 रिटर्न हो गया। अब इसमें क्या होता है कि ये नंबर जो है x मल्टीप्लाई होता है 5 के साथ और यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न होके हमारे पास इस जगह पे आ जाती है। अब हम यहाँ पे कोई और वैल्यू पास करवाते हैं, हमने 2 किया, मल्टीप्लाई क्या होगा x के साथ, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा और रिटर्न वैल्यू क्या होगी, 10। अगर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करवाते x के साथ और इसको रन करते हैं तो क्या रिटर्न होगा, हमारे पास 5 रिटर्न होगा। हर दफा क्या रिटर्न होगा, 5। यहाँ पे भी 5 रिटर्न होगा, यहाँ पे भी और इधर भी।
अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय माय फंक्शन। अब वैल्यू हमारे पास 10 आती है, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न होती है वो क्या है, 5। यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू आती है वो 5 आती है, और 5 मल्टीप्लाई होता है 2 के साथ, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 10 हो जाती है। अब ये रिटर्न वैल्यू या जो रिजल्ट होता है वो इस जगह पे हमारे पास रिटर्न होता है, आउटपुट हमारी इस जगह पे आती है। स्टूडेंट्स, इस तरीके से जो रिटर्न है वो हमारे पास वर्क करता है, कि जो वैल्यू होती है वो रिटर्न होके जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है वहाँ पे आ जाती है। इसी तरीके से हम देखते हैं पास स्टेटमेंट क्या होती है। द पास स्टेटमेंट, पास को हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, हमने इसको लूप में भी देखा, इफ एल्स में भी देखा हमने कि पास किस तरह से वर्क करता है। फंक्शन डेफिनेशंस कैन नॉट बी एम्प्टी, जैसे हमने पहले देखा कि जो इफ एल्स है उसकी बॉडी को हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, इसी तरीके से जो लूप होती है उसकी बॉडी को भी हम एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। बट इफ यू फॉर सम रीजन हैव अ फंक्शन डेफिनेशन विद नो कंटेंट पुट इन द पास स्टेटमेंट टू अवॉइड गेटिंग एन एरर, हम किसी वजह से अपने फंक्शन को एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं, हम एक फंक्शन जो है वो प्रोग्राम के किसी और हिस्से में डिफाइन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम जो फंक्शन बना रहे हैं या हमने फंक्शन बनाना है वो अभी मैं डिफाइन नहीं करूँगा, उसको डिफाइन मैं बाद में करूँगा, हम क्या करते हैं उसके लिए पास की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन, और मैंने इसकी बॉडी को एम्प्टी छोड़ दिया और वहां पे मैंने पास की स्टेटमेंट लिख दी। मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन मैं प्रोग्राम के किसी और हिस्से में जाके डिफाइन करूँ, देन मैं क्या करूँगा, जो इसकी स्टेटमेंट्स होंगी वो फंक्शन के बाहर लिख दूंगा या इंक्रीमेंट उसको तब कर लूंगा। तो इसलिए हम पास को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, डिक्लेयर करवाते हैं और उसकी डेफिनेशन नहीं करते तो क्या होता है, आउटपुट में हमारे पास एरर आता है। अब उस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पास की स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टूडेंट, स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स, स्कोप हमने पहले भी स्टडी किया था कि स्कोप क्या होता है, और आज हम देखेंगे कि एक वेरिएबल लाइफ कितनी होती है एक प्रोग्राम के अंदर। स्कोप की एग्जांपल हम देते हैं, जैसे इंग्लिश है उसका स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप है, हम इंग्लिश किसी भी कंट्री में जाके बोल सकते हैं, वहां पे लोग इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन जो उर्दू है वो मैं पाकिस्तान, इंडिया या फिर बांग्लादेश में बोल सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैं यूरोप की किसी कंट्री में जाता हूँ और वहाँ पे जाके उर्दू में बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो उन लोगों के लिए मुश्किल होगा कि वो इसको अंडरस्टैंड करें, अगर मैं वही बात इंग्लिश में करता हूँ तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। इसी तरीके से अगर कोई बंदा बाहर से आता है तो वो यहाँ पे आके इंग्लिश में कम्युनिकेट करता है तो लोग उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब जो उर्दू लैंग्वेज है उसका स्कोप हमारे पास पाकिस्तान या फिर इंडिया या फिर बांग्लादेश है, मीन्स कि इसका स्कोप जो है वो लोकल है, किसी स्पेसिफिक बाउंड्रीज के अंदर हम इसको बोल सकते हैं और समझ सकते हैं।
लेकिन जो इंग्लिश है उसका स्कोप ग्लोबल है, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके इंग्लिश बोल सकते हैं और लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। जो वेरिएबल होता है वो भी कुछ किसी तरीके से काम करता है, उसका भी स्कोप होता है। जो प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्से हैं जैसे फंक्शन या फिर लूप्स या फिर इफ एल्स की जो हमने स्टेटमेंट्स देखी, उनकी जो बॉडीज होती हैं उनके अंदर उसका स्कोप कुछ और होता है, और जब वही वेरिएबल हम कहीं और पे डिफाइन करते हैं प्रोग्राम के किसी और हिस्से में तो उसका स्कोप कुछ और होता है। हम उसको देखेंगे अब कि लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप में क्या डिफरेंस होता है। स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इज द पोर्शन ऑफ अ प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज रिकॉग्नाइज्ड पैरामीटर्स एंड वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन आर नॉट विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द फंक्शन एंड दे हैव अ लोकल स्कोप। ओके स्टूडेंट, प्रोग्राम का वो हिस्सा जिसके अंदर हम किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं और उसको उस प्रोग्राम के हिस्से के अंदर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम उसको किसी और हिस्से में एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एरर आता है। इस स्कोप को हम लोकल स्कोप कहते हैं। इसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे। जैसे अभी एग्जांपल हमने देखी उर्दू की एग्जांपल, उर्दू को हम पाकिस्तान इंडिया या बांग्लादेश में बोल सकते हैं। इसी तरीके से जो वेरिएबल है उसकी कुछ बाउंड्रीज होंगी या कोई एक पोर्शन होगा जिसके अंदर हमने उसको डिफाइन किया होगा, हम उसके अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं, उनके अंदर उसकी वैल्यूज स्टोर होती हैं। अब उनकी भी कोई लाइफ होती है। जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी मेमोरी के अंदर कोई लाइफ होती है। अब अगर हम फंक्शन की एग्जांपल लेते हैं, अगर फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया है और हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस वेरिएबल की लाइफ जो है वो तब तक होगी जब तक वो फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। जैसे ही वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल हमारा प्रोग्राम के किसी और हिस्से पे शिफ्ट होगा तो वो वेरिएबल जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर इस तरीके से जो उसकी वैल्यू होगी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अभी हम एग्जाम्पल देखते हैं इसकी और देखते हैं कि किस तरीके से एक वेरिएबल जो है वो अपने स्कोप के अंदर वर्क करता है और उसकी लाइफ कब तक होती है। स्टूडेंट्स, हमने एक फंक्शन लिया माई फंक के नेम से और हमने उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया एक्स के नेम से, उसको वैल्यू साइन कर दी 10 और हमने प्रिंट की स्टेटमेंट दी स्ट्रिंग और उसके बाद हमने स्ट्रिंग को कंकैटिनेट किया एक्स के साथ। अब ये जो एक्स है ये फंक्शन की बॉडी के अंदर है। अब फंक्शन की बॉडी कौन सी है ये? अब इस एक्स का स्कोप इस फंक्शन की बॉडी के अंदर तक है। हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया एक्स के नेम से और हमने उसको 20 साइन कर दिया। अब ये जो 20 है इसका स्कोप पूरे प्रोग्राम के अंदर होगा। हमने फंक्शन को कॉल किया तो हमारे पास क्या प्रिंट हुआ? 10। अब ये जो 10 प्रिंट हुआ ये लोकल स्कोप जो था एक्स का, या जो वेरिएबल था हमारे पास एक्स, वो हमारे पास प्रिंट हो गया यहाँ पे।
और ये जो एक्सरसाइज का स्कोप हमारे पास ग्लोबल है। और जब हमने प्रिंट स्टेटमेंट दी तो कौन सा एक्सप्रिंट हुआ 20। अब हम एक काम करते हैं, हम इसको बाय का नेम देते हैं अब हम इसको रन करके देखते हैं। हम जैसे ही इसको रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एल शो होता है। ये जो वाई है इसका स्कोप इस फंक्शन के अंदर है, इसको हम लोकल स्कोप भी कहते हैं। जैसे ही इस वाई को मैं बाहर एक्सेस करता हूँ इस फंक्शन की बॉडी से तो हमारे पास एक एल शो होता है। अगर मैं इसको कमेंट करता हूं और अब इसको रन करके देखता हूं तो हमारे पास कोई एरर नहीं आता क्योंकि मैं इस वाई को इस बॉडी से बाहर एक्सेस नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इस एक्स को यहां पे एक्सेस करता हूं तो देखते हैं क्या होता है। हमारे पास ये जो x था ये यहाँ पे एक्सेस हो रहा है लेकिन ये जो y था ये बाहर एक्सेस नहीं होता। इस x का स्कोप पूरे प्रोग्राम के अंदर है, हम कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं लेकिन ये जो y है इसको हम इस फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। जब हम फंक्शन से बाहर आते हैं और हम y को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास एरर आता है। इसी तरीके से जो y है उसका जो वेरिएबल है जो वैल्यू है इसके अंदर हम उसकी लाइफ कब तक है जब तक ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही एग्जीक्यूट होके वो बाहर आता है उसकी वैल्यू जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। हमने देखा कि हम ग्लोबल वेरिएबल है उसको हम प्रोग्राम के किसी हिस्से में भी एक्सेस कर सकते हैं लेकिन जो लोकल होगा वो जस्ट बॉडी के अंदर ही एक्सेस होगा। अगर हम उसको बाहर एक्सेस करते हैं या जो उसकी बाउंड्रीज या जो वो पोर्शन है उसे बाहर एक्सेस करते हैं उसको तो हमारे पास एरर शो होता है। फ्रेंड्स हमारे पास ये एग्जाम्पल थी और ये उसकी आउटपुट थी। हमने देखा लोकल और ग्लोबल स्कोप में क्या फर्क होता है। और स्टूडेंट जो हमारे पास वेरिएबल था एक फंक्शन के अंदर एक्स था और एक फंक्शन के बाहर एक्स था, अब दो डिफरेंट वेरिएबल चाहिए। अगर अगर मैं इस तरह करता हूँ तो दोबारा एक वेरिएबल एक्स के नेम से बनाता हूँ तो इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल है हमारे पास एक्स के नेम का उसी को वैल्यू असाइन हो जाती है 10। लेकिन जब हम इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स के नेम से तो हमारे पास वैल्यू अपडेट नहीं होती। अब ये जो वेरिएबल है इसका लोकल स्कोप है और इसका ग्लोबल स्कोप है। अब ये जो वेरिएबल है ये इस पे इफेक्ट नहीं करता और जो ग्लोबल वेरिएबल है वो इस पे इफेक्ट नहीं करता। हमने भी देखा कि इसको हमने 20 साइन किया था लेकिन जैसे ही मैं एक्स को 10 साइन करता हूँ तो यही जो ये सेम वेरिएबल है उसको 10 असाइन हो जाता है
जबकि इस सूरत में ऐसा नहीं होता, ये इस पे इफेक्ट नहीं करेगा और ये जो है इस पे इफेक्ट नहीं करेगा, ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं। और हमने देखा था जो ग्लोबल फंक्शन होता है, सॉरी ग्लोबल वेरिएबल होता है, उसको हम इनसाइड यूज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो लोकल वेरिएबल होता है उसको हम फंक्शन से बाहर यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा ग्लोबल फंक्शन के लिए हम ग्लोबल का कीवर्ड भी यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये स्कोप होता है वेरिएबल का, पर लाइफ टाइम हमने देखा कि जैसे कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिकर्जन। रिकर्जन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस के अंदर। हम रिकर्जन को कब यूज करते हैं हम ये देखेंगे, और इसका बेनिफिट क्या होता है हम वो देखेंगे, और कब इसको नहीं यूज किया जाता ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि रिकर्जन का जो कॉन्सेप्ट है वो हम मैथ के अंदर या फिर प्रोग्रामिंग के अंदर देखते हैं। अब रिकर्जन होती क्या है, अगर एक फंक्शन है उसकी बॉडी के अंदर उसी फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उसको हम रिकर्जन कहते हैं। हम आगे एग्जांपल देखेंगे और इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि रिकर्जन क्या होती है और किस तरीके से हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होता है। स्टूडेंट्स, हमने क्लास में डिस्कस किया था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हमने देखा था स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारा प्रोग्राम होता है वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, एक उसका जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो, और सेकंड चीज जो हमने देखी थी कि वो मेमोरी कितनी यूटिलाइज करता है। हम रिकर्जन को लूप की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे हम लूप इस्तेमाल करते हैं वहां पे हम रिकर्जन को भी यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम लूप इस्तेमाल कर रहे हैं तो रिकर्जन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? जो लूप होती हैं वो जब आउटपुट देती हैं तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उनका प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा होता है, जबकि रिकर्जन का प्रोसेसिंग टाइम कम होता है। इसलिए हम रिकर्जन को यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर। लेकिन जो रिकर्जन है वो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है, या इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है कोड के अंदर, ये हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है प्रोग्राम के अंदर। और समटाइम ऐसे भी होता है कि हम रिकर्जन करते हैं, हम इस तरह का फंक्शन बनाते हैं या उसमें इस तरह की रिकर्जन यूज करते हैं कि वो टर्मिनेट ही नहीं होता, हमारा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। और इससे क्या होता है, एक तो हमारी मेमोरी जो है वो यूज होती है, ज्यादा मेमोरी मतलब इस तरह से एग्जीक्यूट होता रहेगा और हमारी मेमोरी यूज होती रहेगी, और एक टाइम आएगा कि हमें आउट ऑफ बाउंड या इस तरह का कोई एरर जो है वो शो होगा। सेकंड ये होता है कि हमारा प्रोसेसर कंटिन्यूसली प्रोसेसिंग करता रहता है। ये एक एफिशिएंट वे है, बट ये कॉम्प्लेक्स भी है साथ, इसलिए यहाँ पे टाइम हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता, वहां पे हम लूप्स को यूज करते हैं। लेकिन प्रोग्राम हम इस तरह का बना रहे हैं जहाँ पे हमने
जो सेकंड्स हैं उनको भी देखना है, जो हमारी आउटपुट है वो कितनी रैपिड होनी चाहिए, हमने उसमें सेकंड का भी ख्याल रखना है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह की अप्रोच यूज करते हैं वहाँ पे रिकर्जन या फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, हम देखेंगे कि वो किस तरीके से रन होती है, रिकर्जन क्या होती है और हमारे पास आउटपुट किस तरीके से आता है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास ये एक एग्जांपल है इसकी। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल है ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन भी है, आपने इसके स्टेप्स लिखने हैं, ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, हर स्टेप में वैल्यूज इस तरीके से अपडेट होती हैं। अभी हम इसको एडिटर के अंदर रन करके देखते हैं और देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो फिर स्टूडेंट्स, रन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से आउटपुट आती है, 1, 3, 6, 10, 15, 20, 1। अब इसमें क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन बनाया है ट्राई रिकर्जन के नाम से, उसमें एक पैरामीटर हमने बनाया k के नाम से और हमने कंडीशन लगाई है इफ k ग्रेटर देन 0, अगर k की वैल्यू बड़ी होगी 0 से तब वो इसकी बॉडी के अंदर रहेगा इफ की, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इफ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद एक हमने वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नेम से, फिर हमने जो k था हमारे पास उसको प्लस किया, दोबारा फंक्शन को हमने कॉल किया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, रिकर्जन होती है। हम फंक्शन के अंदर, ये हमारे पास फंक्शन था उसके अंदर हम उसी फंक्शन को कॉल करते हैं, इसको हम कहते हैं रिकर्जन। अब इसमें हमने क्या पास करवाया, 6। अब यहाँ पे हमने क्या पास करवाया, 6। अब 6 जाता है या इस k को साइन हो जाता है, अब 6 ग्रेटर देन है 0 से। अब इस if के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, k के अंदर क्या पड़ा है, 6 प्लस जो फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होता है और दोबारा यहाँ पे एक वैल्यू अपडेट होती है के की, तो दोबारा इस फंक्शन को पास हो जाती है, साथ में हमारे पास एक प्रिंट की स्टेटमेंट है जिसमें हमने रिजल्ट का वेरिएबल प्रिंट करवाया है। स्टूडेंट्स, आपने इसके स्टेप्स लिखने हैं असाइनमेंट के अंदर। हम एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज की जाती है रिकर्जन को अंडरस्टैंड करने के लिए। हमारे पास एग्जांपल है फैक्टोरियल की, एक इंटीजर का फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो हम उसके लिए लूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उसकी जगह पे रिकर्जन भी यूज कर सकते हैं। तो हम इस एग्जांपल को देखते हैं किस तरीके से वर्क करती है और इसके स्टेप्स किस तरह से बनते हैं, उसी तरीके से आपने असाइनमेंट के स्टेप्स लिखने हैं।
हमारे पास इस तरीके से फैक्टोरियल बनता है, 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 का फैक्टोरियल और फिर 5 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2, जितने प्रीवियस नंबर होते हैं हम क्या करते हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 6, 4 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का फैक्टोरियल। 3 का जो फैक्टोरियल है वो हमारे पास 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई होता है 4 के साथ तो 24 बनता है, जब 24 मल्टीप्लाई होता है 5 के साथ तो 120 आता है। अब हम क्या करते हैं इसमें एक फंक्शन बनाते हैं फैक्टोरियल के नेम से। ये एक एग्जांपल है रिकर्जन की, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन है फैक्टोरियल के नेम से और उसमें एक पैरामीटर है इनके नेम से। ये सबसे कॉमन एग्जांपल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्जन को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो हमने इसमें कंडीशन लगाई है कि n जो है वो जब तक 1 नहीं हो जाता तब तक ये जो है वो रन नहीं होगी। अब ये इफ दो ही कंडीशन में रन होगी, या तो हम यहाँ पे 1 पास करवाते हैं तब और या फिर n में हर दफा एक वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, -1 होता जाएगा और जैसे ही 1 आएगा वैल्यू रिटर्न होगी। तो हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्किंग करता है। हमारे पास ये फंक्शन है फैक्टोरियल के नेम का, उसको हमने 5 असाइन किया है। फर्स्ट टाइम n में 5 पड़ा था, 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1, n माइनस 1 क्या होता है 4, 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के फैक्टोरियल से। अब होता गया है अब प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसका फैक्टोरियल 4 का। अब यहाँ से कंट्रोल दोबारा इस प्रोग्राम पे शिफ्ट हो जाता है और n में क्या पास होता है 4। नेक्स्ट टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय फोर माइनस 1 3, नेक्स्ट टाइम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, इसी तरीके से हमारे पास रिकर्जन होती रहेगी जब तक हमारी इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं होती। अब हर स्टेप में एक डिक्रीमेंट होता जाएगा और वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई होती जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और तरीके से हमारे पास 120 आउटपुट में आता है। इसी तरीके से हमने एक और स्लाइड है जो कि हमारे उसी फंक्शन की है, इसमें थोड़ा डिटेल में डिफाइन किया है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 1 4, तब ये वाली चीज बनती है। ये जो है इस तरीके से हमारे पास सारे स्टेप्स होने के बाद 120 प्रिंट हो जाता है। फ्रेंड्स, जो ऊपर हमने एक असाइनमेंट रखी है उसकी आउटपुट आपने इसी तरीके से लिखनी है स्टेप्स बना के, वो आप पेपर पे कर दें या फिर इस तरह से सॉफ्ट फॉर्म में दे दें, वो भी आपके असाइनमेंट का हिस्सा है वो क्वेश्चन जो है। फ्रेंड्स, आज हमने देखा रिकर्जन के अलावा हमने
देखा कि वैल्यू रिटर्न कैसे करते हैं, इसके अलावा हमने स्कोप को डिस्कस किया और उसके अलावा हमने पास की स्टेटमेंट को देखा।